खटीमा सारदा नहर में बीती देर रात इनोवा कार गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। मृतक में महिला के साथ कार चालक व 3 बच्चे शामिल। खटीमा के लोहिया हेड पावर चैनल के करीब शारदा नहर में इनोवा कार गिर गई। इनोवा कार के शारदा नहर में डूबने से हुई दुर्घटना में कार चालक सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक महिला द्रौपदी, उसकी बेटी, भाई के 2 बच्चे व कार चालक है मृतकों में शामिल। मृतका द्रौपदी देवी जहां लोहिया हेड पावर हाउस में कार्यरत थी, वहीं बीते देर शाम चकरपुर अंजानिया निवासी अपने भाई मोहन चंद के घर से अपने भाई के 2 बच्चों को लेकर अपने लोहिया हेड स्थित घर को शारदा नहर मार्ग से होकर कार के माध्यम से लौट रही थी। मृतका के घर ना पहुंचने पर उसके भाई ने जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, जिसके बाद मृतका के भाई मोहन चंद ने अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में सवार होकर खोजबीन शुरू की, जिस पर उसे कार लोहिया हेड पावर चैनल के पास शारदा नहर में नदी में गिरी हुई दिखी। मृतका के भाई ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके उपरांत पुलिस टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर गोताखोरों के माध्यम से कार में सभी 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन पुलिस द्वारा कार से 5 लोगों को बाहर निकाले जाने पर उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में सभी मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही गतिमान है। इस दुखद घटना के बाद खटीमा क्षेत्र में शोक की लहर है। सीलबंद अवस्था में 500 पुलिस के द्वारा मुझे प्राप्त हुए, और जिसमें से एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां और एक बच्चा था, और 5 की मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई है। ये बेसिकली बहुत ही एक दुख भरी घटना है। इसमें जो है रात को 11:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन जो है वो नहर में गिर गया है, तो इसमें हम लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से इसमें रेस्क्यू किया, और जो इसमें 5 लोग जो हताहत हुए थे उनको हम लोग जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ पर उनको हम सेव नहीं कर पाए, और इसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की अभी तक पुष्टि हुई है। और बाकी हम लोग घटना के कारण की जाँच कर रहे हैं कि क्या उसमें घटना के कारण हो सकते हैं। CCTV फुटेज भी हम लोगों ने देखे हैं, और इसमें जो भी तथ्य आते हैं जांच के दौरान प्रकाश में उसमें कार्रवाई की जाएगी, और बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कल रात लगभग 11:30 के बजे लोहिया हेड रोड में जो हमारी नहर जाती है उसमें एक इनोवा का एक्सीडेंट हुआ और वो जाके नहर में गिर गई, और उसमें लगभग 11:30 का मामला, उसमें 5 लोग जो सवार थे मैं ड्राइवर के, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इनको रात्रि में हम यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके हमें इनको मृत घोषित किया गया। आज इनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, और जो डेड बॉडी है परिजनों को सिपुर्द इनकी पहचान हो गई है इनमें। इसमें एक तो हैं मोहन सिंह धामी जी हैं, नगला तराई के रहने वाले, जो ड्राइवर भी थे 40 वर्ष के हैं। दुर्गा द्रौपदी हैं, वो भी 40 वर्ष की हैं, ये निवासी हैं लोहिया हेड रोड की। और ज्योति हैं, ये 12 वर्ष की हैं, ये भी लोहिया हेड रोड जो हमारा वहाँ पर वो है गेस्ट हाउस वहाँ की हैं। दीपिका है जो कि 8 वर्ष की हैं, ये अंजनिया की निवासी हैं। और सोनू है जो कि 5 वर्ष का है, ये भी अंजनिया चक्रपुर का निवासी है। फिर क्या कहेंगे इसका विषय, लेकिन प्रथम दृष्टि हमें ये लग रहा है कि मानवीय भूल के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उस समय ना तो कोई वहाँ पर ट्रैफिक चलता है, वो सुनसान इलाका है, तो लगता है कि गाड़ी शायद ओवर स्पीड में रही होगी और कुछ ब्रेक फेल या कुछ ऐसा कुछ घटना हुई होगी, लेकिन ज़्यादा इसमें लग रहा है कि उस मानवीय भूल के कारण इसमें एक्सीडेंट हुआ।